और बात कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामलों में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है और यूपी में भी संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की। यूपी में आंकड़ा बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में 496 केसेस सामने आए, 496 पॉजिटिव कोरोना केसेस सामने आए हैं। और बीते कई महीनों से जो केसेस कम थे अब एकाएक उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते केसेस से प्रशासन भी अब अलर्ट है और ज्यादा सख्ती बरतने की बात कह रहा है। लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन इस बात को मान रहा है कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोग कोविड नियमों का पालन सही से करते तो शायद केसेस इस तरह से नहीं बढ़ते, क्योंकि सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग अभी भी बिना मास्क के दिखाई देते हैं और अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लगातार बने हुए, अनुभव हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अब इस बीच में वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, तो बरेली से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का हाल जानते हैं। अनुभव, आप बताइए कि राजधानी लखनऊ में कोविड गाइडलाइंस का क्या पालन होता दिख रहा? कुछ वक्त पहले हमारा कार्यक्रम था जब लखनऊ में, तो हमने देखा कि लोग बिना मास्क के वहां पर घूमते हुए दिखाई दिए थे। क्या स्थितियां बदली हैं बढ़ते केसेस के साथ? देखिए, बीते 24 घंटों की अगर बात कर लें तो लखनऊ में 496 नए मामले सामने आ गए और कुछ समय पहले 15 दिन पहले इनकी संख्या 80, 82, 85 के आसपास रहती थी, पर जिस तरीके से उछाल आया है राजधानी लखनऊ में तो 141 मामले सामने आ गए। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और हम इस वक्त लखनऊ का जो सबसे व्यस्त चौराहा है या जो मुख्य चौराहा है हजरतगंज, यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे अब अटल चौक भी कहा जाता है। सुबह का वक्त है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने कारोबार के लिए जा रहा है। यहाँ आप देखिए लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो मास्क के साथ दिख रहे हैं लेकिन कई सारे बाबूजी कोरोना बढ़ रहा है फिर भी आपने मास्क नहीं जेब में रखे हैं, लेकिन कोरोना ये थोड़ी नहीं देखेगा कि आप मास्क है, मास्क तो लगा के चलना चाहिए ना। सुनिए, मेडिकल दिखाने जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब आप लगाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, दूसरे भी लोग सुरक्षित रहेंगे। देखिए यहाँ पर लोग ऐसे हैं जहाँ अब आप देखिए हमें देख के मास्क लगाया और तस्वीरें दिखाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग हमें नज़र ज़रूर आ रहे हैं मास्क लगाए हुए। और ये सबसे बेस्ट चौराहा है राजीव, सबसे मुख्य चौराहा है, तमाम सारे यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपने तो मास्क लगाया है, देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो मास्क लगाए हैं, कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं और यही लापरवाही भारी पड़ रही है। तमाम सारे लोग जो ये ठीक है अनुभव, उनकी वजह देखिए कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने मास्क लगाया भी हुआ है, तो जो लगातार अपील की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, जो अपील की जा रही है एबीपी गंगा की ओर से उसका कुछ असर आज लखनऊ में दिखा, कुछ लोग मास्क में दिखाई भी दिए, ये अच्छी बात है। नीतीश पांडे के पास चलते हैं वाराणसी में। नीतीश, कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने दिखाया कि कैसे वहां पर लोग बगैर मास्क के इत्मीनान से घूम रहे हैं और उसके लिए तरह तरह के उनके पास माफीनामे हैं, एक्सक्यूजेज हैं। क्या आज कुछ स्थिति बदली है, आज लोग थोड़ा जागरूक हुए चूंकि मामले बढ़े हैं, या कल वाली स्थिति है नीतीश? राजेंद्र जी, स्थिति कहीं सुधरी नजर नहीं आ रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं और वाराणसी जिलाधिकारी का अल्टीमेटम है एक हफ्ते में सुधर जाइए नहीं तो फिर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही सख्ती भी बरती जाएगी। इस वक्त हम गिलट बाजार सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये सब्जी विक्रेता है और इन सब्जी विक्रेता महोदय लोगों के मुँह पर आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। इन लोगों के यहाँ लोग रोज आते हैं और इनसे रूबरू भी होते हैं लेकिन ये लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं इनसे जान लेते हैं, आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? कोरोना बढ़ रहा है फिर भी नहीं लगा रहे? ये तो है, रखे हुए हैं जेब में लेकिन लगा रहे थे ना, आए तो जब थोड़ी देरी ये महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, आपने नहीं लगाया, आप सब्जी की दुकान पे बैठे, आप बताइए आपने मास्क नहीं लगाया है या मुंह पे कुछ बाधा नहीं है क्या? नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं राजेंद्र जी कि बहाने हैं और इसके साथ ही आपको कैमरे पर दिखाना चाहेंगे, अब ये सब्जी विक्रेता जागरूक हुए जब कैमरा इनके सामने आया, लेकिन इन्हें दिन भर जागरूक रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा इनकी है। इसके साथ ही किसी को तो आगे बढ़ते हुए मास्क लगाना जरूरी नहीं, मास्क आपकी सेहत के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समाज के लिए नहीं करना चाहते अपने परिवार के लिए तो कीजिए। बरेली का रुख कर लेते हैं अनूप, बरेली में क्या हाल है? लखनऊ वाराणसी से अलग है, स्थिति वैसी ही है?
राजेंद्र, बिल्कुल स्थिति कहीं भी अभी तक नहीं सुधरी है। अगर हम बरेली की बात करें, आपको यहाँ पर जितने लोग दिखाई देंगे ज्यादातर बिना मास्क के दिखाई देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं इस समय नगर निगम सब्जी मंडी पे मौजूद हूँ, यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है उनको कोरोना का कोई भी डर नहीं है। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? घर पे रह गया है मास्क, तो डर नहीं लगता कोरोना से? भैया लगाता है। और देखिए किस तरीके के तर्क सामने आ रहे हैं। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? अब देखिए आप ऊपर लगा रहे हैं मास्क। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता आपको? डर लग रहा है, मास्क लगाएंगे और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? इधर देखिए मास्क क्यों नहीं लगाया? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया और स्थितियां बहुत अलग नहीं है तो लखनऊ से और वाराणसी से, कमोबेश जो कि नहीं होनी चाहिए। अनुप, हमने देखा, हमने सुना लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अनुभव, नीतीश और